हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइव गोल एजुकेशन। देखिए, सीडीएस का एग्जाम हुआ था 3 फरवरी 2019 को, तो इसके जनरल नॉलेज का मैंने पार्ट वन डिस्कस किया था पहले। पार्ट वन में मैंने क्वेश्चन वन से लेकर के क्वेश्चन 60 तक डिस्कस कर लिए थे, तो अब हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर के 120 तक। तो अगर आपने पार्ट वन को नहीं देखा है तो आप क्वेश्चन नंबर 1 से 60 को कवर करने के लिए पार्ट वन को भी देख सकते हैं। ए पार्ट वन का कवर पेज आपके सामने आ रहा है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 60 डिस्कस ऑलरेडी किए गए थे। तो इस लेक्चर का पहला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कोर फंक्शंस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस मल्टी डायमेंशनल पीस कीपिंग ऑपरेशंस। जो यूएन के पीस कीपिंग ऑपरेशन होते हैं उनके कोर फंक्शन क्या है? तो स्टेबलाइजेशन के लिए वर्क करते हैं, ये सही है। पीस कंसोलिडेशन के लिए भी वर्क करते हैं, ये भी सही है। टू एक्सटेंड सपोर्ट टू अ लूजिंग स्टेट इन ए वॉर। अगर कोई कंट्री वॉर में हार रही है तो क्या ये उसका सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। तो ओनली 1 और 2 हमारे करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 63 क्वेश्चन को देखिए, इसमें पूछा गया क्योटो प्रोटोकॉल किस चीज से रिलेटेड है? क्योटो एक जापान की सिटी है और 11 दिसंबर 1997 को क्योटो प्रोटोकॉल साइन हुआ था और इसमें बात की गई थी ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन को कम करने के लिए। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64, बीजिंग डिक्लेरेशन की बात की गई। बीजिंग डिक्लेरेशन आया था 1995 में, 15 सितंबर 1995 को बीजिंग डिक्लेरेशन आया। असल में 4th कॉन्फ्रेंस हुई थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन, उसमें बात की गई मैन एंड वुमेन को इक्वल राइट देने की। और जब मैन और वुमेन को इक्वल राइट होगा तो ऑब्वियसली राइट ऑफ वुमेन की बात हो रही है, राइट ऑफ चिल्ड्रन है, डेवलपमेंट है, टैरिफ्स, ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो हमारा बी आंसर करेक्ट हो गया। 62 देखिए, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इसमें साउथ चाइना सी डिस्प्यूट के बारे में पूछा गया। तो जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट में तो ये चारों कंट्रीज हैं किसी ना किसी डिस्प्यूट्स में इन्वॉल्व, पर यहां स्पेसिफाइड किया गया है कि साउथ चाइना सी का डिस्प्यूट। बताइए आप, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को कंसिडर नहीं करना, तो उसमें चाइना, वियतनाम, मलेशिया, इसके अलावा 3 कंट्रीज और हैं, फिलिपीन, विरूनी एंड ताइवान। तो यहां पर इंडोनेशिया नहीं होगा, इसलिए हमारा 1, 2 और 3 यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। 65 नंबर का क्वेश्चन देखिए, गुजराल डॉक्ट्राइन की बात की गई। गुजराल डॉक्ट्राइन में असल में 5 प्रिंसिपल्स के बारे में बात की गई थी। 5 प्रिंसिपल्स किस चीज के लिए? जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनसे अच्छे रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए। तो इसमें आंसर हो जाएगा विल ट्रस्ट बिटवीन इंडिया एंड इट्स नेबर्स। क्वेश्चन नंबर 66 में एक तरफ तो कंपाउंड या मॉलिक्यूल दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसका सेफ दिया है। देखिए, CH3F मिथाइल फ्लोराइड का सेफ होता है टेट्राहेड्रल, ये फॉर्मेल्डिहाइड दिया है, ये ट्राइंगुलर प्लेनर होता है। HCN यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड लीनियर हो जाएगा और अमोनिया होती है ट्राइगोनल पिरामिडल, यानी कि A का सेकंड, B का फर्स्ट, C का फोर्थ एंड D का 3। तो ये ऑप्शन में देखिए जरा, ये B ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए B हमारा आंसर करेक्ट हो गया। 69th क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म किस में पॉसिबल नहीं है? एल्काइल हैलाइड्स में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म नहीं होती। 68 क्वेश्चन, इसे लसाइन पढ़ते हैं, लसाइन टेस्ट के बारे में बात की गई। तो ये टेस्ट असल में होता है नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन्स के लिए। अब हेलोजन में एक एक्सेप्शन है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को हम, ये एलिमेंट्री टेस्ट होता है, इसको सोडियम फ्यूजन टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो आयोडीन, क्लोरीन, सल्फर एंड नाइट्रोजन, इन एलिमेंट्स को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, फ्लोरीन को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए हमारा फ्लोरीन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 में बात की गई कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। देखिए, फिशर प्रोजेक्शन जो होता है वो एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन में होता है, ये सही है। फिशर प्रोजेक्शन 3D को 2D में रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। न्यूमैन प्रोजेक्शन जो है ये स्क्यू, एक्लिप्स्ड और स्टेगर्ड, इन तीनों कॉन्फर्मेशन में होता है। साहॉर्स प्रोजेक्शन जो है, इनमें जो लाइंस होती हैं वो 120 डिग्री पे इंक्लाइंड होती हैं, ये भी ठीक है। पर यहाँ पर सी स्टेटमेंट दिया है कि फिशर प्रोजेक्शन मॉलिक्यूल का मोस्ट स्टेबलाइज कन्फॉर्मेशन है, तो ये बेरी करता है मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि फिशर प्रोजेक्शन मोस्ट स्टेबल है, इसलिए ये गलत हो गया और इसीलिए ही हमारा आंसर हो गया 70 का सी।
क्वेश्चन नंबर 67, वेरी स्मॉल इनसॉल्युबल पार्टिकल, यानी कि जो किसी भी लिक्विड में ना घुले, उन्हें कैसे सेपरेट किया जाता है? देखिए, साइज में अगर बड़े होते तो हम फिल्टर करके सेपरेट कर लेते, लेकिन इस साइज में लिखा है वेरी स्मॉल, तो हमें यूज करना पड़ेगा डिकेंटेशन मेथड। ये क्वेश्चन काफी सिंपल क्वेश्चन था। नाइलॉन 6 का मोनोमर पूछा गया, तो एक कैप्रोलेक्टम होता है। यहां देखिए, ये 74th क्वेश्चन जो है ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। टू आइडेंटिकल सॉलिड पीसेज, पहले तो आइडेंटिकल वर्ड को यहां पर थोड़ा सा जोड़ देते हैं। टू आइडेंटिकल सॉलिड पीसेज, वन ऑफ गोल्ड एंड अनदर ऑफ सिल्वर, एक गोल्ड का है दूसरा सिल्वर का है, दोनों को इमर्ज किया गया वाटर में, तो ये कह रहे हैं कि उनका इक्वल वेट शो करते हैं वो, तो क्या ये एयर में इक्वल वेट शो करेंगे या नहीं? अब मुझे आप एक बात बताइए, दो आइडेंटिकल चीजें, आइडेंटिकल मतलब एक ही साइज की, जिनकी डेंसिटी अलग हो, क्या उनका वेट सेम हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है, एक शर्त पे हो सकता है सिर्फ सेम, अगर उनमें से जो ज्यादा डेंसिटी वाला ऑब्जेक्ट है वो अंदर से खोखला हो, हॉलो हो अंदर से, और जो कम डेंसिटी वाला है वो पूरी की पूरी तरह से सॉलिड हो। सपोज करो ये गोल्ड की बॉल है और ये है सिल्वर की, दोनों की साइज सेम है पर ये अंदर से खाली है और सिल्वर वाली खाली नहीं है, तो यहां पर इसका वेट जो होगा गोल्ड वाले का सिल्वर वाले से कैसा हो जाएगा? बराबर, ऐसे केस में हो सकता है। अब अगर आइडेंटिकल हैं तो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल कहता है जब इन्हें इमर्ज किया गया हो लिक्विड में तो बॉयंस फोर्स जो लगा होगा अपवर्ड डायरेक्शन में वो लगा होगा इक्वल। अब डाउनवर्ड जो फोर्स होगा ड्यू टू ग्रेविटी वो दोनों में कैसा होगा? इक्वल होगा, क्योंकि अगर इक्वल नहीं होगा तो वो सेम वेट को शो नहीं कर सकता, और इसमें लिखा है कि वो इक्वल वेट को शो कर रहा है, इसलिए इन दोनों सॉलिड पीसेज का वेट भी सेम होगा, और अगर इनका वेट सेम होगा तो आप चाहे एयर में ले जाइए या फिर आप मून पे ले जाइए, इनका वेट इक्वल ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 72, अर्थ का नियरेस्ट स्टार पूछा गया, तो हमारे सबसे नियरेस्ट स्टार हैं सूर्य देवता, पर सूर्य देवता इन ऑप्शंस में कहीं नजर नहीं आ रहे, इन ऑप्शन में है प्रोक्सिमा सेंचुरी, और प्रोक्सिमा सेंचुरी के बाद जो है वो है अल्फा सेंचुरी, पी से याद रखना, पी से पास में है ये हमारे, ठीक है। 75th क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तीन तरह की लाइट जो है उन लाइट की वेवलेंथ का ऑर्डर बताना है, तो अल्ट्रावायलेट की सबसे कम होती है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है, और इंफ्रारेड की वेवलेंथ जानना होती है सबसे। सोलर सिस्टम के एक क्वेश्चन पूछा गया कि लीस्ट मास किसका है, तो ये मरकरी का है। पूरे सोलर सिस्टम में सबसे छोटा प्लैनेट भी मरकरी है, सबसे बड़ा है जुपिटर। आप ऐसे याद रखिए, मरकरी सबके सन के सबसे पास में है, इसलिए मरकरी जल गया और जल के छोटा हो गया। क्वेश्चन नंबर 76, हेनरी टी कोलब्रुक का नाम दिया है, ये संस्कृत के प्रोफेसर थे, ये कौन से कॉलेज में थे? ये थे कैलकाटा के फोर्ट विलियम कॉलेज, और ये इनके बारे में एक दिलचस्प बात जान लीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के चेयरमैन के बेटे थे। क्वेश्चन नंबर 79, लिमिटेशन लॉ आया ब्रिटिशर्स ने पास किया 1859 में, तो इसमें क्या बात रखी गई थी? तो इसमें बात जो थी वो कंडीशन थी, लोन बॉन्ड साइंड बिटवीन मनी लेंडर्स एंड रायट्स वुड हैव वैलिडिटी ओनली फॉर 3 years, जो जमींदार और रैयत थे इनके बीच में जो बॉन्ड साइन हो रहे थे वो 3 साल के लिए वैलिड माने जाएंगे, ये कंडीशन थी इसमें 1859 का। लिमिटेशन लॉ को पढ़ सकते हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तब तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 1857 की रिपोर्ट में डंका साहे कैसे कहा जाता था, अब साहे एक ही नाम के आगे लगा था, अगर किसी ने ऐसे तुक्का भी मारा होगा तो उसका भी सही हो गया होगा, मौलवी अहमदुल्ला साहे, ये फैजाबाद के मौलवी थे, इन्हें कहा जाता था डंका साहे। क्वेश्चन नंबर 77, डेकन एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट आया 1879 का, असल में 1875 में जो डेकन के राइट्स हुए थे उसके बाद में एक्ट आया था, और इसमें कुछ लीगल बेनिफिट्स मिले थे पीजेंट्स को, जैसे कि अगर आप कर्ज अदा ना कर पाओ, आप अपना डेप्ट ना भर पाओ तो आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, ये ऑप्शन डी में दिया है, गिव लीगल एड टू इंसॉल्वेंट पीजेंट्स। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, समरी सेटलमेंट, इसमें कंडीशन जो थी, जो एजम्पशन लिया गया था वो एजम्पशन था, द तालुकदार्स वर इंटरपोलर्स विद नो परमानेंट स्टेक्स इन द लैंड, और अगला क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन है, दमनेह कोय, असल में झारखंड में एक हिल है जिन हिल को बोला जाता है राजमहल सिल, राजमहल की पहाड़ियां, 1832 में संथाल ट्राइब को ब्रिटिशर्स ने वहां पर शिफ्ट किया था, तो ये संथाल जो है ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा गया इंटर स्टेट काउंसिल, ये काउंसिल अभी होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, 1990 में सेटअप की गई थी, और ये सरकारिया कमीशन जो 1987 में इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी सरकारिया कमीशन ने,
हालांकि इंटर स्टेट काउंसिल की वेबसाइट कहती है कि 1988 में सबमिट की। ये बिहार पीसीएस का एक विवादित क्वेश्चन है, तो सरकारी या कमीशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर खैर कोई विवाद नहीं है अभी। इमरजेंसी के दौरान कौन से आर्टिकल सस्पेंड नहीं होते, आर्टिकल 20 एंड 21, कौन सी वो रिट है? पांच तरह की रिट होती हैं, उनमें से ये चार रिट दी हैं, इनमें से कौन सी रिट है जो कोर्ट या ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट में जारी की जाती है सर्टियोररी? ये असल में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इशू कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा गया, किसी भी कुएं से आप पानी पीजिए, किसी भी टैंक से आप नहाइए, किसी भी घाट पर नहाइए, आपको कोई रोक नहीं सकता, यानी कि राइट टू इक्वलिटी, ये आपको कौन से आर्टिकल से मिलता है? तो ये मिलता है आर्टिकल 14B से। बी यहां नहीं लिखा पर 14 लिखा है, दैट इज ऑल्सो सफिशियंट। हमारा आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 84, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड तीन स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें अमेंडमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता? देखिए, सबसे पहले तो एक दिलचस्प बात सुनिए, ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान में इस तरह की कहीं कोई बात नहीं है। ये जो टर्म निकल के आया, ये टर्म निकल के आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। और जब बेसिक स्ट्रक्चर की संविधान में बात ही नहीं है, तो बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में संविधान कैसे कहेगा? कहीं भी नहीं लिखा गया क्या संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं अपने, अब आपको स्टेटमेंट समझ में आ जाएंगे। इट फॉल्स आउटसाइड द स्कोप ऑफ द अमेंडिंग पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के आउटसाइड है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदलना चाहिए, पर संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा। और बात जो है, जब संविधान और सुप्रीम कोर्ट के बीच में भी आ जाए, तो सुप्रीम कोर्ट से भी बढ़ के संविधान है, पार्लियामेंट से भी बढ़ के संविधान है। संविधान से निकल के सुप्रीम कोर्ट आता है, पार्लियामेंट आता है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, यानी फर्स्ट तो हमारा गलत हो गया। इसमें लिखा है इट कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय द पीपल थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स इन अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये सही है। इट फॉल्स विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट, ये भी सही है। अगर आपको ये पता है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज नहीं है, तो आपने क्वेश्चन कर लिया होगा, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 87th क्वेश्चन देखते हैं, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन किसने बनाई? ये भीमराव अंबेडकर साहब ने बनाई थी। पॉल एलन, जिनकी अक्टूबर 2018 में डेथ हुई, ये किसके को फाउंडर थे? बिल गेट्स के साथ मिलकर इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को फाउंड किया था। क्वेश्चन नंबर 91 में, अर्बन रेन वाटर हार्वेस्टिंग में कौन सा सुटेबल नहीं है? देखिए, रूफटॉप रिचार्ज पिट भी आप लगा सकते हो, रिचार्ज बेल भी लगा सकते हो, रिचार्ज टेंच भी यूज कर सकते हो, पर ये जो गली प्लग है ना, इसमें असल में क्या करते हैं, बहुत सारे पत्थर इकट्ठे करके उनकी दीवार बनाते हैं, और इन पत्थरों से क्या होता है, पानी तो निकल जाता है, मिट्टी नहीं पास हो पाती, तो सॉयल एरोजन भी रुकता है। ये जो है, ये अर्बन एरिया में पॉसिबल नहीं है, ये रूरल एरिया में ही पॉसिबल है। अर्बन एरिया में तो यहाँ मिट्टी देखने को नहीं मिलेगी, हर जगह मकान और सड़क बने पड़े हैं। तो हमारा आंसर सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 89th क्वेश्चन, ई विजिल के बारे में बात की गई। ये हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है एक ऐप, अगर वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है इलेक्शन के दौरान, तो आप इस ऐप के जरिए रिपोर्ट कर सकते हो। अभी 2019 को चुनाव आने वाला है, उसमें काम में आएगा। क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 थोड़ा दिलचस्प क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कि अगर कोई टैंक इरिगेशन को प्लॉट करे, ध्यान देना, टैंक इरिगेशन को प्लॉट किया उसने, और उसने ऐसे मैप पर सुपर इम्पोज किया जिसमें वेल इरिगेशन दिखाया गया। अब टैंक और कुएं में अंतर क्या होता है? देखिए, कुएं से हम निकालते हैं ग्राउंड वाटर, और टैंक जो होता है, या तो वो आर्टिफिशियली होता है जनरली, और नेचुरल भी हो सकता है, और उसमें आर्टिफिशियली वाटर भी कलेक्शन हो सकता है, जैसे कि कहीं से हमने कैनाल ले जाके पानी भर दिया, या नेचुरल स्प्रिंग से, या फिर रेन से भी उसमें वाटर स्टोर हो सकता है। तो अब देखते हैं, इसमें लिखा है कि अगर ऐसा किया, क्या किया, कि टैंक इरिगेशन को प्लॉट किया और वेल इरिगेशन के मैप्स के साथ सुपर इम्पोज किया, तो ये दोनों नेगेटिवली रिलेटेड हैं, ऐसा क्यों? इस फिनोमेना को कौन सही रिप्रेजेंट करता है? देखिए, पहला ऑप्शन दिया है टैंक इरिगेशन प्रीडेट्स वेल इरिगेशन, टैंक इरिगेशन पुराना है या नया, इस बात से इनका नेगेटिवली रिलेशन नहीं बनता। सेकंड क्वेश्चन देखिए, टैंक इरिगेशन इज इन द एरियाज विद इम्परवियस सरफेस लेयर्स, ये बात सही है। थर्ड ऑप्शन, वेल इरिगेशन रिक्वायर सफिशियंट ग्राउंड वाटर रिजर्व, ये भी सही है, ग्राउंड वाटर रिजर्व होना चाहिए, बिना ग्राउंड वाटर रिजर्व के आपके कुएं में पानी नहीं निकलेगा। और फोर्थ क्वेश्चन में दिया है अदर फॉर्म्स ऑफ इरिगेशन, अदर फॉर्म से इन दोनों का नेगेटिव कनेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, तो 2 एंड 3 करेक्ट हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
प्रहार के बारे में पूछा गया है क्या है, तो सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। 93 क्वेश्चन में दिया है कि एक बॉटल है उसमें आपने गर्म पानी डाल दिया तो उसका सेफ चेंज नहीं हुआ, यानी कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनी होगी वो, यही पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 94 काफी अच्छा क्वेश्चन था। देखिए क्यू प्लस डब्ल्यू का मतलब हुआ इंटरनल एनर्जी, क्यू हो गया हमारा हीट, डब्ल्यू हो गया वर्क। एच माइनस टी एस को देख लेते हैं, इसके बाद में बताता हूं क्वेश्चन है क्या। एच हो गया एंथैल्पी, टी हो गया एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर इन केल्विन, एस हो गया एंट्रोपी। तो एच माइनस टी एस है यह इक्वल टू जी, जी मतलब गिव्स फ्री एनर्जी, जैसे फ्री एनर्जी भी बोला जाता है। अब पढ़ते हैं स्टेटमेंट में पूछा गया कि कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं है, सॉरी कौन सा स्टेट फंक्शन है। तो हीट और वर्क स्टेट फंक्शन नहीं होता, तो टू और थ्री तो हमारे रॉन्ग हो गए, यानी कि जिसमें टू और थ्री है उन्हें हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं। अब देखिए क्यू प्लस डब्ल्यू यानी कि इंटरनल एनर्जी, ये स्टेट फंक्शन है, तो फर्स्ट करेक्ट है। और फोर्थ गिव्स फ्री एनर्जी, ये भी स्टेट फंक्शन होता है, यानी कि वन एंड फोर आर करेक्ट, सो आर आंसर विल बी ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 97 काफी सिंपल क्वेश्चन है, इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए आप लोग। और ऐसे ही एक क्वेश्चन और है, इन दो क्वेश्चन को मैं नहीं करवा रहा, यहां कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 95 क्वेश्चन देखते हैं, आइडियल गैस के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ये नोट जरूर देख लिया करिए, इसके बिना सब काम बिगड़ जाता है। देखिए काइनेटिक एनर्जीज जो है आइडियल गैसेज के लिए, वो सारे मॉलिक्यूल के लिए हम ये मानते हैं कि एवरेज सेम है, पर इसमें दिया है आर नॉट सेम, सो द ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट, और इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा। 99 क्वेश्चन देखिए, कॉन्स्टेलेशन क्या होते हैं, अगर तारों का यानी कि स्टार्स का एक पार्टिकुलर पैटर्न बने अर्थ से, वो इक्विडिस्टेंट हो या ना हो, तो उसे हम बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन। 96 क्वेश्चन में पूछा गया पीसीएल 5 में पी ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन, तो यह होता है sp3d, और इसमें डी sp3 दिया है, एक ही बात है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हुक्स लॉ के बारे में बात की गई, क्या हुक्स लॉ इलास्टिक जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में हुक्स लॉ आता है, हुक्स लॉ क्या कहता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये कब तक वैलिड है, ये सिर्फ और सिर्फ तब तक वैलिड होता है जब तक लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रहती है, और ये थोड़े से पहले आ जाती है लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी से, कर्व में आप लोग देखिएगा तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 में पूछा गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होता है उसमें लाइट कहां से कहां जाती है, देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव के पास लाइट जाएगी, ऑब्जेक्टिव लेंस से कंडेंसर में, फिर बॉडी ट्यूब में, देन आईपीस। ऑब्जेक्टिव लेंस इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जिस ऑब्जेक्ट को हमें देखना है उसके पास रखते हैं, और आईपीस इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम ये अपनी आई के पास रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104, यूरिया कहाँ प्रोड्यूस होता है, यूरिया प्रोड्यूस होता है लीवर में, लीवर इवन बॉडी के 500 से ज्यादा फंक्शंस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टोन प्रोटीन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं जो कि डीएनए से एसोसिएटेड होते हैं। इवन मैं आपको बताऊं ये क्रोमेटिन का चीप प्रोटीन होते हैं, क्रोमेटिन की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं, आप लोगों को लग रहा होगा पेपर बहुत टफ है, पेपर वैसा ही है जैसा सीडीएस का पेपर आता था। क्वेश्चन नंबर 102 इस बार थोड़ा सा ज्यादा टफ आ गया, हीमोग्लोबिन के बारे में स्टेटमेंट बताना है, हीमोग्लोबिन ऑफ आरबीसी कैन कैरी विद ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, स्टेटमेंट करेक्ट है, CO2 और O2 दोनों को हीमोग्लोबिन कैरी कर सकता है, इवन CO को भी कैरी कर लेता है, और जब CO को कैरी करता है तब इंसान के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें पूछा गया गलियो इरोजन के लिए कौन सी रिवर है इंडिया की जो बड़ी परेशान है, तो वो है चंबल रिवर। अगेन फिजिक्स का क्वेश्चन, देखने में लग रहा है कैलकुलेशन, पर यहाँ कैलकुलेशन नहीं है। देखिए इसमें दिया है एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, दोनों को 100 किलोवोल्ट से एक्सेलरेट किया गया, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया 100 किलोवोल्ट, और दोनों के चार्ज कितने होते हैं 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, एक का नेगेटिव दूसरे का पॉजिटिव, पर होते दोनों के इक्वल हैं, मास दोनों के होते हैं अलग। अब ध्यान दीजिए जरा, एनर्जी होती है W इक्वल टू भी इंटू क्यू, भी सेम है क्यू सेम है, तो भी इंटू क्यू यानी कि सेम एनर्जी हमने दी इलेक्ट्रॉन को और प्रोटॉन को, पर प्रोटॉन का मास ज्यादा होने की वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी रहेगी कम, और काइनेटिक एनर्जी कम होने का मतलब इसकी स्पीड कम होगी, यही हमें बताना था। स्पीड ऑफ द प्रोटॉन विल बी लेस देन द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, सो आर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। 110वां क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया कि कौन सा टिश्यू जो होता है वो इंक्रीज ऑफ गर्थ इन द स्टेम ऑफ प्लांट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये होता है इंटरसेलुलरी मेरिस्टेम। 107वां क्वेश्चन देखिए, ये फैक्चुअल स्टेटमेंट है, अलग अलग सम करो दोनों वेक्टर का मॉडुलस निकाल के, और वो हमेशा दोनों वेक्टर के सम के मॉडुलस से जाना आएगा। 111वां क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछा गया है वो ऑर्गेनिज्म जो सेप्रोफिट्स हैं, सेप्रोफिट्स इन में से है
एगेरिका से, एक टाइप की फंजाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 112वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा गया बायलेटरल सिमेट्री, सिमेट्री दो टाइप की होती है, रेडियल एंड बायलेटरल, बाकी के तीन की है रेडियल और जो नेरिस दिया हुआ है ये बायलेटरल सिमेट्री को शो करता है। 108वां क्वेश्चन देखिए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या काम नहीं करता, नॉट कैरिड, ये ट्रांसपोर्ट और मटेरियल, देखिए ये डिटॉक्सिफिकेशन में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काफी काम होता है, इसलिए ट्रांसपोर्ट भी माना जाएगा इसका आंसर। लिपिड का सिंथेसिस करता है और स्टेरॉइड हार्मोन का भी करता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन ये नहीं करता। 109वां क्वेश्चन में पूछा गया स्टोर हाउस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम से लाइजोजोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वार्म ब्लडेड एनिमल पूछे गए, तो देखिए जितनी भी फिशेज होती हैं, रेप्टाइल्स होते हैं जनरली, वो सारे के सारे कोल्ड ब्लडेड होते हैं, तो ये हमारे तीन आंसर 1, 2 और 3 रॉन्ग हो गए। अब ऑप्शन डी पे चलते हैं, मैमल्स और पक्षी ये होते हैं वार्म ब्लडेड, यानी कि पीकॉक एंड कैमल जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट्स ऑफ इंडिया दिए हैं, हुए हैं 4, इनमें फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम कहाँ नहीं, राजस्थान में भी है 5, जम्मू एंड कश्मीर में भी है, हिमाचल प्रदेश में भी 1 है, त्रिपुरा में नहीं है, तो त्रिपुरा हमारा राइट आंसर हो गया। 118वां क्वेश्चन देखिए, सरगासो सी के बारे में बात की गई है, तो इसमें से इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये सरगासो सी से रिलेटेड नहीं है। बाकी इसकी सैलिनिटी हाईएस्ट है, देखिए नॉर्थ अटलांटिक जो ओशन है उसकी सैलिनिटी सबसे ज्यादा है और नॉर्थ पैसिफिक की सबसे कम है, यानी कि वो सबसे फ्रेश है, और बाकी की ये दो स्टेटमेंट भी करेक्ट हैं, आप पढ़ सकते हैं। 115वां क्वेश्चन देखते हैं, एक सिटी का नाम दिया है और उस सिटी में बायोसेफ्टी का प्रोटोकॉल हुआ था, ये सिटी है कोलंबिया की। 119वां क्वेश्चन, 4 शहरों के नाम दिए, उनके प्रोडक्ट दिए हैं, देखिए डेट्रॉइट जो है इसको सिटी और मोटर कार भी बोला जाता है, एंटीवर्प यहाँ डायमंड की कटिंग होती है, टोक्यो में शिप बिल्डिंग होती है और हार्बिन में स्टील का अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है, यानी कि हमारा 1, 2, 4 एंड 3, 1, 2, 4, 3 कौन से ऑप्शन में था, ये था ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। 116वां क्वेश्चन देखिए, 4 स्टेट के नाम दिए हैं, इनमें पूछा गया पॉपुलेशन कहाँ की हाईएस्ट है, तो इन 4 में से मेघालय की लगभग 26 लाख थी 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग, तो ये 26 लाख यानी कि मेघालय हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 117वें क्वेश्चन पे अब चलते हैं, उसके बाद हमारा आएगा लास्ट क्वेश्चन 120वां। मैं असल में पैरेलली डिस्कस कर रहा हूँ, लेफ्ट में लिखा हुआ फिर राइट में लिखा हुआ, इसलिए ऑर्डर में डिस्कस नहीं कर रहा, वैसे भी आपको ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अलग अलग सेट भी हैं, आपको वैसे भी क्वेश्चन ढूंढना पड़ रहा होगा। देखिए चिली से, पेरुगे से, ब्राजील से पास होती है, बोलिविया से इनमें से पास नहीं होती, तो बोलिविया हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाराणसी से कन्याकुमारी तक का जो नेशनल हाईवे है, ये नेशनल हाईवे सतना से भी पास होता है, रीवा से भी होता है, जबलपुर से भी होता है, कटनी से पास नहीं होता, और नहीं होता इसलिए हमारा हो गया राइट आंसर। तो ये हमारे 120 के 120 क्वेश्चन डिस्कस हो गए, इसमें हमने 60 क्वेश्चन डिस्कस किए, इससे पहले के पार्ट में हमने 60 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जिन बच्चों ने वो पार्ट नहीं देखा वो उस पार्ट को देख लें। आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, इस चैनल पे आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर्स के द्वारा SSB की तैयारी फ्री में करवाई जाएगी, आपको सारी PDF फाइल, टोटल स्टडी मटेरियल टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा फ्री में, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सब लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ऑलरेडी कर दिया होगा, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मैं बस आपसे इतना कहना चाहूँगा अच्छे से तैयारी करिए, मेहनत करिए, अब SSB के लिए आपको तैयारी करनी है, कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स बताइए और इस तरह से मेहनत करिए कि आप हवा का रुख मोड़ दें, और चलते चलते बस इतना कहना चाहूँगा, मेरे कर्म मेरी पहचान बने तो बेहतर है, मेरे कर्म मेरी पहचान बने तो बेहतर है, चेहरे का क्या है मेरे साथ चला जाएगा। जय हिंद।